चित्रकूट की ओर ले चलते हैं, जहां कोरोना नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसपी चित्रकूट निकले सड़क पर। बता दें कि उन्होंने अपने स्टाफ के 2 पुलिसकर्मियों के 1000 के चालान कटवाए और अनावश्यक घूम रहे लोगों को चेक किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके साथ पूरा पुलिस विभाग आकर उन्होंने चौराहे पर सख्ती से पालन कराया, जो आप देख सकते हैं। उन्होंने ब्यूरो रोहिणी कुमार को बाइट दी और बताया कि मेरा डेली का नियम है, पर डे शाम 7 बजे मैं सड़क पर आ जाता हूँ, अनावश्यक घूम रहे लोगों को चेक किया जाता है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ तक कि पुलिस कर्मी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं उनके साथ रहे PRO दिनेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर कोतवाली इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी और भी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बार बार माइक से अनाउंस करवा रहे थे, अनावश्यक कोई नहीं घूमेगा, 7 बजे पूरी दुकानें बंद हो जानी चाहिए, कोरोना नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो। इस कारण SP चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल सड़क पर निकले पूरे अमले के साथ। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, एरिया रिपोर्टर बाल मुकुंद साहू यादव। प्रेस न्यूज़ के साथ रोहिणी कुमार के साथ विजय गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज नाइट कर्फ्यू के लिए SP चित्रकूट खुद मैदान में उतरे हुए हैं और SP चित्रकूट खुद मैदान में उतरे हुए आप देख सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल आज मोर्चा संभाला है और उनका कहना है कि परेड ऐसा ही होता है, जो अनावश्यक घूमते हैं उनके साथ बताएंगे। उन्होंने कितना चलना दिया अनावश्यक सुन सकते हैं और आप देख सकते हैं खुद ही मैदान लोग चले हुए हैं और इनको भी निकल रहा उसको रोक कर सबक सिखाते हैं और इनायत दे रहे हैं, दोबारा ऐसा ना हो।